मैं नाम दीपक उजेले, मैं अभी नीमच की अपेरी पे आया हूँ यहाँ पे अपनी। और आज इंस्पेक्शन का डे है हमारा और हम देख रहे हैं कि आसपास कैसा फ्लोरा अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे इस डब्बों में कितना हनी आया। ठीक है, चेक करते हैं आज हमारे सुपर बॉक्स को, इसमें अराउंड 20 फ्रेम्स है अभी। देखते हैं हमारी पहली फ्रेम में कितना हनी है। ये देखिए दोस्तों, इसका वेट अराउंड होगा 2.5 से 3 किलो के समथिंग। ओ माय गॉड, इधर से शहद निकलना स्टार्ट भी हो गया। ये इतनी भारी फ्रेम है कि हम उठा भी नहीं पा रहे। देखिए, इसमें ऊपर वाला सील पैक हनी है और नीचे वाला नॉन सील पैक हनी है, जिसको हम कच्चा शहद कहते हैं। अपनी दूसरी फ्रेम देखते हैं। ये हमारा सेकंड फ्रेम है, इसमें भी ऑलमोस्ट आधी फ्रेम में हनी है, विच विल वेट अराउंड 1 to 1.5 kg। ये हमारी तीसरी फ्रेम, इसमें भी ऑलमोस्ट सील पैक हनी पूरा रेडी है। ये हमारी चौथी फ्रेम, इसमें कुछ एगलिंग्स भी है जो रानी ने दिए अंडे। ये देखिए, इसमें हनी है और ब्रूड है पूरा सील पैक। और ये हमने आज इनको एक खाली फ्रेम दिए हनी कलेक्शन के लिए। ये हमारी एक और सबसे बेस्ट फ्रेम, इसका वेट भी अराउंड 2.5 किलो के समथिंग होगा। ये पूरी सील पैक है, इस साइड भी आप देख सकते हैं आराम से। दिस इज प्योर हनी, ये एक्चुअली मल्टी फ्लोरा हनी है क्योंकि अभी सरसों आई नहीं है अभी आसपास। ये हमारा लास्ट सीजन का हनी है। ये हमारी सातवीं फ्रेम, ये भी सील पैक हो चुका है, इधर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये भी 2 से 3 दिन के अंदर पूरा सील पैक हो जाएगा, कभी अच्छे से काम किया मक्खियों ने। ये वाली फ्रेम अभी पूरी खाली है, ये अराउंड 100 से 150 ग्राम की होगी खाली फ्रेम। ये वाली फ्रेम भी पूरी खाली है ऑलमोस्ट, यानी इसमें अभी 10 में से 8 फ्रेमों में हनी है। तो दोस्तों, हम और आपको इसी के बारे में आपको अपने अगले वीडियो में और बताएंगे कि इन डब्बों में से कितना हनी निकला है। अभी के अराउंड मुझे सिर्फ ऊपर वाले डब्बे से लग रहा है कि अराउंड 15 किलो के समथिंग हनी इस डब्बे से आ जाएगा आराम से, कभी मैं आज भी इनको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार।